हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में शेयरिंग सेटअप कैसे बनाना है कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो मोबाइल शेयरिंग सेटअप हो या फिर पीसी शेयरिंग सेटअप हो। शेयरिंग सेटअप के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी को, जो इसी का प्रॉब्लम होता है कि आईडी सेटअप, आईडी कैसे बनाए, मल्टीपल आईडी कैसे निकाला जाता है, सब कुछ इस वीडियो में ए टू जेड मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमें जो यहाँ पे देखेंगे कमेंट में, एक बंदा ने हमें इसके बारे में पूछा भी है तो मैं इसका कमेंट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि एक कमेंट यहाँ पे हमें एक दिन पहले ही एक बंदा ने हमें इससे पूछा है। इस कमेंट में यहाँ पे अगर देखोगे तो इन्होंने पूछा है, सर फेसबुक रील्स वीडियो वायरल टिप्स दें। तो देखो, कोई भी वीडियो हो, चाहे वो रील्स वीडियो हो, चाहे लॉन्ग वीडियो हो, मूवी क्लिप वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, उसे वायरल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास शेयरिंग सेटअप होना ही चाहिए और आईडी सेटअप होना ही चाहिए। जब तक आपके पास ये नहीं रहेगा तब तक आपका कोई भी वीडियो वायरल नहीं जाएगा। आप कितना भी मेहनत करेंगे वायरल नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपका खुद का आइकन बना हुआ है, खुद से मेहनत करते हैं, खुद के कंटेंट बनाते हैं तो ही आपका वीडियो वायरल हो सकता है। अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट पे वर्क करते हैं, कॉपी पेस्टेड कंटेंट पे वर्क करते हैं तो उसके लिए आपको शेयरिंग देना ही होगा। तो इस वीडियो में आप लोग एकदम बने रहे, मैं सभी जो भी आईडी सेटअप हो, कैसे शेयरिंग करना है, कैसे वीडियो अपलोड करते समय क्या करना है कि आपको लिंक को कॉपी करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देखो कि इस वीडियो को एक लाइक अभी से कर दो, अभी एक लाइक तुरंत करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन वीडियो में बहुत ही नॉलेज होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करो। और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी अर्न कर रहा हूँ। मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल पर्सन हूँ। सिंगल पर्सन अगर ग्रुप में वर्क करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा, कैसे आईडी निकालना है, कैसे शेयरिंग करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो कि यहाँ पे मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है। अब देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बातें हैं, अगर आप कम से कम मान लो कि आप 5 बंदे हैं, यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे देखो, अगर आप 5 बंदे हो, मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। अगर आप 5 बंदे हैं तो आपके पास देखो कि 5 PC भी होना चाहिए। अगर 5 बंदे मिलके काम करते हो तो 5 PC होना चाहिए, तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है अगर आप ग्रुप में वर्क करते हैं तो। अब देखो, क्योंकि अगर आप मान लो कि सिंगल पर्सन हो, सिंगल पर्सन एक दिन में कितनी जो है शेयरिंग कर सकते हैं, मैंने करके देखा है। आप कितना भी मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करोगे तो 200 से ज़्यादा शेयरिंग आप कर ही नहीं सकते, मैंने करके देखा है। क्योंकि देखो कि एडिटिंग भी करना होता है, अपलोडिंग भी करना होता है, सब कुछ करना होता है, उसके बाद ही आप जो है शेयरिंग करने के लिए बैठते हैं। ये सब करने के बाद सबसे लास्ट में आता है शेयरिंग ही। उसके बाद जो आता है, देखे कि आपके पास कम से कम, बहुत ज़्यादा कम रखोगे तो कम से कम 2 SIM कार्ड होने ही चाहिए। 2 SIM कार्ड का मतलब हुआ कि आपके पास 2 IP एड्रेस भी है। अब देखो कि IP एड्रेस में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आपने एक ही सिम से, जिस सिम से आपने वीडियो को अपलोड किया उसी सिम से अगर आप शेयर भी करोगे तो आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं जाएगा। आपका वीडियो बैठ जाएगा, आपका रिकमेंडेशन रोक दी जाएगी, इस बात को भी ध्यान में रखें। और तीसरी जो बातें होती है कि वीडियो वायरल क्यों नहीं होता, वो इसीलिए होता है कि आप मान लो कि एक आईडी से अपने पेज बनाया, उसी आईडी से बार बार आपने कई बार गलती की, कॉपीराइटेड कंटेंट वाला काम किया, आपके आईडी पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग गया है, नॉट रिकमेंडेशन वाला रिस्ट्रिक्शन लग गया है, सेक्सुअल कंटेंट वाला आपने यूज किया था, अब फिर क्या करें कि उसी से आपने फिर से एक पेज बनाकर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी आपको नहीं करना है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। देखो कि एक आपको पे आउट अकाउंट रखना है, एक पे आउट अकाउंट रखें और उससे पेज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस उसको पे आउट अकाउंट बना के रखना है। और जब भी आपका फॉलोवर्स वर्स्ट टाइम कंप्लीट होता है तो उस पे आउट अकाउंट से एडमिन एक्सेस लेने के बाद सेटअप के लिए भेज देना है। और पे आउट अकाउंट से आपको कुछ भी वीडियो अपलोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तो इतनी तक आपने समझ में, तो इतनी बातें आपने अभी तक जो समझ लिया है, तो एक अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक ठोको। और देखो कि अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ जो मैं इसमें बताऊंगा, आईडी जो होता है, आईडी कैसे बनती है, आईडी कैसे निकाला जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
अब चलते हैं, मैं पेज में विजिट करके दिखाता हूँ कि शेयरिंग कैसे करना है आपको, क्योंकि ये भी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसे भी सीखना, क्योंकि शेयरिंग करते वक्त आप कैसे लिंक कॉपी करते हो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं अपने पेज में मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पे दिखाऊं तो इस पेज में मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस पेज में मैंने अपलोड नहीं करके रखा है। मैं अपने मेन पेज में जाता हूँ, देखो कि ये जो है मेरा ये ऑफिशियल पेज है, इस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, इससे मैं भी मैं कंटेंट डालता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। कॉपी पेस्टेड कंटेंट से रिलेटेड कोई ऐसा कंटेंट होता है जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट चला जाता है, उस कंटेंट को मैं यहाँ पे डाल के आप लोगों की हेल्प करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो कि ये एक वीडियो है, ये तो मेरा खुद का सेल्फ वीडियो है, मेरा सेल्फ पेज है, तो मैं इसमें सेल्फ कंटेंट ही डालता हूँ। अब देखो जब आप वीडियो को अपलोड करने जाते हो तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने लगाया है हैशटैग, यहाँ पे हैशटैग PC लिखा, हैशटैग हिंदी लिखा, हैशटैग फेसबुक लिखा, हैशटैग प्राइवेसी फर्स्ट लिखा, हैशटैग ब्लॉग लिखा, ब्लॉग लिखा। तो देखो इसमें आपको जब मान लो कि मूवी क्लिप डाला आपने, उसको आपको शेयर देना है, तो आपको हैशटैग कैसे लगाना है मैं दिखाता हूँ। देखो कि यहाँ पे आपको हैशटैग कैसे लगाना, आपको हैशटैग कुछ ऐसा उटपटांग टाइप का लगाना है, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे इस तरह से हैशटैग आपको लगा देना है। यहाँ पे देखो मैं इस हैशटैग को यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, अब इस तरह के हैशटैग अगर लगाते हो, मान लो कि ये हैशटैग तो इसमें नहीं है, यहाँ पे इस वीडियो में वो हैशटैग नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो को अपलोड करोगे तो कुछ ऐसा हैशटैग लगाओगे जो पूरा एकदम यूनिक हो। यहाँ पे देखो ये यूनिक, इतना यूनिक है कि इसको अभी तक फेसबुक पे कोई भी सर्च नहीं किया होगा, ना ही कोई लगाया होगा। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, अगर इसको मैं सर्च बॉक्स में तो देखोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट तुम्हें नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एक हैशटैग था, यहाँ पे प्राइवेसी फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार हैशटैग लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देखो कि यहाँ पे मैंने प्राइवेसी फर्स्ट लिखा, जो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी देखो कि इससे इस कीबोर्ड से रिलेटेड 9000 पोस्ट है। तो देखो ऐसा आपको हैशटैग लगाना है जो पूरा एकदम यूनिक हो। अब इस हैशटैग में आप जो है मेरा वीडियो को भी स्क्रॉल करते जाओगे तो वो जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाया वो वीडियो भी आपको इस हैशटैग में दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका पेज पर आपने जो यहाँ पे हैशटैग लगाया वो एकदम बिल्कुल यूनिक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है प्राइवेसी फर्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वीडियो आ गया। इसी तरह से जितने वीडियो इसमें आए हैं सभी पे प्राइवेसी फर्स्ट वाला हैशटैग लगा हुआ है। तो आपने देखा कि अब बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करो और यहाँ से कॉपी लिंक करो, तो यहाँ से आपको करना ही नहीं है। जब आपको शेयरिंग देना है तो यहीं पे इस हैशटैग को ऐसा एक हैशटैग ऐसा लगाना है जो आपको याद रहे, या फिर आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख ले। अब जैसे ही दूसरे आईडी में आप विजिट करोगे तो पहला जिस आईपी से आपने वीडियो को अपलोड किया उस आईपी से आपको शेयरिंग नहीं करना है, दूसरे आईपी से आपको आईडी में विजिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना शेयरिंग सेटअप यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा शेयरिंग सेटअप है। यहाँ पे जितने भी आपको आईडी वगैरह दिख रहे हैं ज़्यादातर में आईडी लॉगिन है, और ज़्यादातर में क्या हुए हैं कि मेरा चेक पॉइंट पे चला गया है। अब चेक पॉइंट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो चेक पॉइंट को अगर नहीं समझोगे तो आपका हो सकता है कि आपका आईडी आपने बहुत मेहनत से निकाला और आपका आईडी जो है चेक पॉइंट पे अगर चलना जाना शुरू होता है एक बार, तो जितनी बार आप जो है दूसरी आईडी तीसरी आईडी कोई भी आईडी में विजिट करोगे, अपना खुद के आईडी में अगर आप विजिट करोगे पे आउट आईडी में भी, तो भी आपका आईडी चेक पॉइंट पे चला जाएगा। तो चेक पॉइंट पे जाने से बचने के लिए देखो जब भी आप आईडी निकालो, कोई भी आईडी नया आईडी है, तो पहले उस आईडी में कुछ दिन तक आप जो है कुछ पोस्ट वगैरह करो, 4-5 दिन तक पोस्ट वगैरह करो, कुछ देर उसमें टाइम स्पेंड करो, और जब आपको शेयरिंग देने जब आप बैठो तो देखो क्या करो कि एक आईडी में आपने विजिट किया, कम से कम 3 मिनट उस आईडी में आपको रुकना ही रुकना है, ये आप ध्यान में रखना। 3 मिनट रुकना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक वगैरह करना है। 3 से 4 मिनट अगर रुक जाते हैं तो और ज़्यादा बेटर है, 5 मिनट रुक जाते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। 5 मिनट रुकने के बाद अगर आप दूसरे आईडी में जाते हो 5 मिनट रुकने के बाद, तो आपका आईडी चेक पॉइंट पे नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो आप देखो कि चेक पॉइंट से आपको कैसे बचना है, आपको ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि चेक पॉइंट से आपको कैसे बचना है, आपका आईडी कैसे सेफ रहेगा, इस बात को आपने यहाँ पे सीख लिया, जान लिया। अब देखो कि यहाँ पे बात आते ही कि 5 बंदे अगर काम करते हो तो भी बेटर है, अगर 1 पर्सन काम करते हो
तो कितना शेयर कर सकते हो एक दिन में, तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि ज़्यादा शेयर करोगे तो 200 करोगे। अगर स्मार्ट तरीके से वर्क करना चाहते हो, रेंटेड ग्रुप में वर्क करना चाहते हो, तो आप 1% भी हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि 1 मिलियन वाला ग्रुप आपने ले लिया, अगर 20 ग्रुप ले लिया तो 20 मिलियन ट्रैफिक हो गया, लेकिन इसमें आपको कुछ जो है स्पेंड करना होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखो, जब आप मान लो कि पीसी शेयरिंग सेटअप आपको बनाना है, तो पीसी शेयरिंग सेटअप के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरा केस में तो है, मेरा जब भी जो भी मेरा आईडी है यहाँ पे इस ब्राउज़र में है, और मेरा शेयरिंग सेटअप में दूसरे में भी अगर दिखाऊँ तो दूसरे में भी मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो, ये जो ब्राउज़र यहाँ पे दिख रहा है, इस ब्राउज़र को मात्र एक क्लिक में 200-300 ब्राउज़र आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे देखो कि ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे देखो कि इसका नाम है क्रोम प्रोफाइल जनरेटर। ये देखो कि जब आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करोगे, ग्रुप में ज्वाइन करोगे, तो ये वाला जो है आपको क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, ये जो सॉफ्टवेयर है पीसी के लिए, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो कि ये करता क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया। अब देखो कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा नहीं ब्राउजर अभी। यहाँ पे देखो कि सबसे नीचे में जो देखो कि 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जितना डालोगे उतनी ब्राउजर बनके तुरंत तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि अभी 10 है, और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको नीचे में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है ओके बटन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो 10 ब्राउजर इस डेस्कटॉप पे ही बनके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं 20 डालता हूँ, इस जगह पे अगर मैं 20 डालूंगा तो 20 ब्राउजर बन जाएंगे, 100 डालूंगा तो 100 बन जाएंगे। तो ये हो गई ब्राउजर बनाने वाली बात, ब्राउजर कैसे बनाना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको कैसे लेना है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो कि मोबाइल शेयरिंग सेटअप के लिए, अगर पीसी में ही आप चाहते हो कि मेरा काम पीसी में मोबाइल की तरह हो, तो उसके लिए देखो कि आपको ये जो है मेमो इंस्टॉलर एमुलेटर, इस मेमो एमुलेटर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेमो एमुलेटर को इंस्टॉल करोगे और इसमें आपको जो है फेसबुक प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ मिल जाता है आराम से, आसानी से, मोबाइल तरह ये वर्क करता है मेमो। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि फेसबुक को क्लोन कर लेना है। क्लोनर ऐप जो है, ऐप क्लोनर आपको यहाँ पे पेड में भी मिल जाते हैं, ब्राउजर में जब आप ढूंढोगे ऐप क्लोनर तो आपको पेड में भी मिल जाएंगे और फ्री वाला भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं वो उसके बारे में नहीं दिखाऊंगा, ये इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो ऐप क्लोनर से आप जो है यहाँ पे जो है, इसको मैंने, इसका बताने का अर्थ ये हुआ कि ये जो मेमो है ये मैं मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें अगर वर्क करोगे तो मोबाइल की तरह आप वर्क करोगे। और ठीक इसी तरह से ऐप क्लोनर आप अपने मोबाइल फ़ोन में, 2-3 मोबाइल फ़ोन है अगर आपके पास, तो मोबाइल फ़ोन में ऐप क्लोनर को डाल के आप फेसबुक को आपको क्लोन कर लेना है। क्लोन से भी आप कर सकते हो, या फिर कीवी ब्राउजर हो गया, या फिर इस तरह के ये जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर को भी आप आसानी से मोबाइल फ़ोन में भी आसानी से जो है 2-3 ब्राउजर बना सकते हो। उसके लिए देखो, अभी मैं इसके लिए उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पे अगर ये जो क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है, अगर ये अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी तुम बना सकते हो आसानी से प्रोफाइल को। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो मैंने सभी यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पास ब्राउजर है आपके पीसी में सभी दिख जाएंगे। सबसे नीचे जब आओगे तो यहाँ पे ऐड बटन दिख जाएगा। अगर पहली बार तुम बना रहे हो, यानी कि आपके पास एक भी ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पे ऐड बटन सबसे ऊपर में ही दिखेगा। यहाँ पे सबसे जो नीचे में है, यहाँ पे ये वाला ऐड बटन सबसे ऊपर में ही दिखेगा। तो यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक कर करके, बार बार क्लिक कर करके आप मल्टीपल ब्राउजर भी बना सकते हो। अब देखो बात आती है कि आईडी कैसे बनाना है, आईडी कैसे निकाली जाती है। तो देखो आईडी निकालने के लिए मैं वीडियो नहीं डाल सकता अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन ऑलरेडी कई सारे वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। देखो कि जब आप यूट्यूब पे जाके आप जो है लेटेस्ट क्लोन मेथड वाला अगर वीडियो देखना चाहते हो, तो फेसबुक के सर्च बॉक्स में लेटेस्ट क्लोनिंग कैसे करना है, क्लोनिंग कैसे करी जाती है फेसबुक आईडी को, वो वाला वीडियो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। या फिर वो वाला वर्क नहीं करता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्राउजर को खोल के मैं दिखाता हूँ। अब देखो कि एक ईमेल आईडी से भी आप जो है मल्टीपल सेटअप बना सकते हैं, 20-25 आईडी तो आराम से बना सकते हैं। देखो तुम यूज कर सकते हो 10 मिनट मेल का। देखो मैं यहाँ पे 10 मिनट मेल लिखता हूँ। 10 मिनट मेल से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखो बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखो ये एक है 10minutemail.com, ये है 10minutemail.net, ये है टेम्प मेल। तो ये जो देखो अलग अलग सब जितने भी वेबसाइट यहाँ पे आए हैं, सभी अलग अलग वेबसाइट हैं। यहाँ पे नीचे में देखोगे 10 मिनट मेल
यहाँ पे ये भी अलग है, यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये भी अलग है। देखो 10 मिनट मेल से रिलेटेड बहुत सारा आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी किसी भी एक में अगर आपको बन जाता है तो देखो कि अलग अलग वेबसाइट से एक एक अगर बनाते हो तो आसानी से आप आईडी बना सकते हो। तो ये तो हो गई आईडी बनाने वाली बात। या फिर आप ये कर सकते हो कि जीमेल सिमिलर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जीमेल सिमिलर से रिलेटेड भी आपको ढेरों साइट्स देखने को मिल जाएंगे अगर टेम्प मेल सपोर्ट नहीं करता है तो। यहाँ पे देखो जीमेल सिमिलर, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, स्टार्ट मेल, मेल फैंस, प्रोट्रॉन, ये सब भी ईमेल का सिमिलर है। जैसे आउटलुक होता है gmail.com, आउटलुक होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी तरह से ये भी है। तो आप इस ईमेल का यूज करके भी आईडी बना सकते हो। और यूट्यूब पे जब क्लोनिंग वाला मेथड, अगर मुझसे मेरा मेथड लेना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब मेरे इस वाले फेसबुक पेज को तुम फॉलो करोगे, मैसेंजर में हमसे कॉन्टैक्ट करोगे, यहाँ पे मैं अपना फेसबुक पेज को भी दिखाता हूँ, जो मेरा अभी मैंने अभी 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 आपको दिखाया था ये वाला फेसबुक पेज, इसको अगर फॉलो करोगे तो इस यहाँ पे मैसेज करते हो तो मैं कुछ हो सकता है तो हेल्प करूँगा। तो इस पेज को भी फॉलो कर सकते हो। और इसी पेज से रिलेटेड यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में भी मेंबर्स वगैरह ज्वाइन होते रहते हैं। यहाँ पे देखो इस ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है तुम्हें। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और वीडियो को तो लाइक डेफिनेटली करना, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है कोई ही आपको बताएगा। तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना।